नमस्ते, मैं आस्था जोशी और आप देख रहे हैं द लोकनीति। तो आइए जानते हैं आज क्या है 10 बड़ी खबरें। 28 अगस्त की सुबह चंद्र की तीसरी कक्षा में प्रवेश करेगा चंद्रयान 2। ये पैतरेबाजी सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच होगी। आपको बता दें, इस सितंबर को चंद्रयान 2 चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। US ओपन क्वालिफायर न्यूयॉर्क में खेले गए मैच में भारत के उभरते टेनिस खिलाड़ी युवा सुमित नागल ने दी 20 बार ग्रैंड स्लैम विजेता रोजर फेडरर को कड़ी चुनौती। पहला सेट 6-4 से जीतने के बाद गवाया अगले 3 सेट। 190वीं रैंक वाले सुमित नागल ने वर्ल्ड नंबर 3 खिलाड़ी फेडरर को 2.5 घंटे दी कड़ी टक्कर। रिजर्व बैंक ने दिए मोदी सरकार को 2.25 लाख करोड़। राहुल ने सरकार पर साधा निशाना। रिजर्व बैंक ने बिमल जालन कमेटी की सिफारिशें मानते हुए कैश सरप्लस में 1.76 लाख करोड़ रुपए सरकार को ट्रांसफर करने की सोमवार को मंजूरी दी। राहुल ने इसी मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। अरुण जेटली के अंतिम संस्कार में 11 लोगों के मोबाइल चोरी। पतंजलि के प्रवक्ता तेजारा वाल ने ट्वीट कर दी जानकारी। पुलिस के मुताबिक बाबुल सुप्रियो समेत 5 लोगों ने दर्ज कराई मोबाइल चोरी होने की शिकायत। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म वॉर का ट्रेलर मंगलवार को रिलीज हुआ। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में ऋतिक और टाइगर एक दूसरे से फाइट करते नजर आएंगे। फिल्म में आशुतोष राणा और वाणी कपूर भी अहम भूमिका में है। वॉर 2 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो आइए जानते हैं अब क्या है मध्य प्रदेश की खबरें। भोपाल कैरवा डैम में बहे 3 युवक, एक को बचाया, दूसरे का शव मिला। पिकनिक मनाने कैरवा डैम के जंगल गए थे युवक, तेज धार में बह गए थे। तेज रफ्तार SUV ने कार, बाइक और दो वैन को मारी टक्कर। एक घायल 25 वर्षीय अंकित कुल्हारी को गंभीर चोट आई है। हादसा रात 9 बजे प्रभात चौराहे पर हुआ था। भोपाल संकट में कांग्रेस का कमल। सिंधिया समर्थकों ने दी धमकियां। सिंधिया को प्रवेश की कमान सौंपने की उठ रही मांग। भोपाल से दिल्ली तक मचा प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी का शोर। भोपाल, साध्वी प्रज्ञा के मारक शक्ति वाले बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया। कहा, पहले BJP अपने गिरेबान में झांके, फिर कुछ बोले। जबलपुर के नितिन कुमार पटवा पहुंचे कौन बनेगा करोड़पति में, आज होगा शो का टेलीकास्ट। तो ये थी 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही 10 बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।